हे वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसी गलतियां जो रॉयल एनफील्ड के ओनर्स होते हैं वो करते हैं अपने बाइक के बारे में, जिसकी वजह से उन्हें आगे जाकर अपने बाइक का जो परफॉर्मेंस है या फिर अपने बाइक का जो इंजन है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे पहली मिस्टेक है साइड स्टैंड पर बाइक खड़ा करना। तो गाइस, जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया था, जब भी आपको लंबे समय के लिए बाइक खड़ी करनी है तो आप बाइक को हमेशा सेंटर स्टैंड पर खड़ा करो, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपके बाइक का इंजन ऑयल जो होता है वो इंजन के चेंबर में इवनली स्टोर होता है, और नेक्स्ट टाइम आप बाइक जब भी स्टार्ट करोगे वो इवनली इंजन में सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से आपके जो इंजन पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली ल्यूब हो सके। अगर आप बाइक को साइड स्टैंड पर लगाते हो तो आपका जो इंजन ऑयल होता है वो बाइक के एक साइड में स्टोर हो जाएगा, और नेक्स्ट डे जब भी आप बाइक स्टार्ट करोगे तो वो अनइवनली सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से आपके इंजन के कुछ पार्ट्स में ऑयल लग जाएगा लेकिन कुछ पार्ट्स में थोड़ी देर के बाद ऑयल लगेगा, जिसकी वजह से जब भी आप बाइक चलाओगे तो वो जो पार्ट्स होते हैं वो घिसने का ज़्यादा खतरा होता है। दूसरी चीज़ है, लोग अपने बाइक को कोल्ड स्टार्ट नहीं देते। तो गाइज, अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने मेरे फर्स्ट पॉइंट में बताया, जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हो तो बाइक को आपने थोड़ी देर के लिए आइडल छोड़ना है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके बाइक का जो इंजन ऑयल है वो पूरे इंजन में सर्कुलेट होगा, और जो भी पार्ट्स है इंजन के उसको ल्यूब करेगा। अगर आप बाइक स्टार्ट करते हो और तुरंत आप एक्सीलरेट करके फास्ट बाइक चलाते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके बाइक का जो इंजन होता है वो ड्राई होगा, और आप जैसे ही इंजन को रेव करोगे तो वो इंजन घिसना शुरू हो जाएगा। तो गाइज, हमेशा अपनी बाइक को कोल्ड स्टार्ट दिया करो, उसकी वजह से जो आपके बाइक का इंजन है उसकी लाइफ बढ़ेगी। तीसरी चीज़ है अलॉय व्हील्स। तो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे बुलेट ओनर्स जो है वो अलॉय व्हील लगाते हैं। तो गाइज, मैं एक बात बता दूँ, अलॉय व्हील्स जो है वो बाय डिफॉल्ट नहीं आते बुलेट के लिए, और रॉयल एनफील्ड वालों ने कुछ तो सोचा होगा जिसकी वजह से ये जो अलॉय व्हील्स है वो नहीं देते हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स लगाते हो तो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो स्पोक से बहुत कम होती है। मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जो डुप्लीकेट अलॉय व्हील्स की वजह से जो चलती गाड़ी में टूट गए हैं और लोगों का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। तो गाइज, अगेन मैं कहूंगा कि आप आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील मत यूज करो आपके बुलेट के लिए, बिकॉज बुलेट का जो वेट है उसके लिए स्पोक्स ही बेटर है। चौथी चीज़ है आफ्टर मार्केट साइलेंसर। तो गाइज, आप सभी को पता है कि 90% बुलेट ओनर्स जो होते हैं वो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं अपने बाइक में। अगेन मैं तो कहूंगा कि आपकी बाइक में आप कुछ भी आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन ना करो, बिकॉज सबसे पहली चीज़ आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। दूसरी चीज़ है, अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो उसकी वजह से आप नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों कर रहे हो। पांचवी चीज है आफ्टर मार्केट लाइट्स, या फिर हैंडल बार लाइट्स, या फिर फॉग लाइट्स, या DRL लाइट्स। तो गाइज, ये जो बुलेट है ये ट्रेडिशनल हैलोजन बल्ब्स के साथ आती है। आप हेडलाइट बोलो या इंडिकेटर बोलो या टेल लाइट बोलो, सभी जगह पर आपको हैलोजन लाइट मिलेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है वो LED लाइट्स या फिर आफ्टर मार्केट लाइट्स ना लगाओ, बिकॉज अगेन अगर आप बाइक की ओरिजिनल वायरिंग के साथ खेल रहे हो तो आगे जाकर अगर उसका कहीं पर भी पानी के साथ में कॉन्टैक्ट आया या फिर अगर वो बारिश में भीग गई तो आपकी पूरी बाइक की वायरिंग जल सकती है। मैं तो उस फेवर में नहीं हूँ कि आप ओरिजिनल बाइक की वायरिंग को काटो और उसमें कुछ छेड़छाड़ करो। छठवीं और लास्ट चीज़ जो है वो बहुत कॉमन है, जो है अपने बाइक के सर्विसिंग से रिलेटेड। तो गाइज, मैंने देखा है लोग एक एक साल अपनी बाइक की सर्विसिंग नहीं करते। तो गाइज, मैं यही कहूंगा कि आपकी बाइक का रेगुलर सर्विसिंग किया करो, बिकॉज अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये बुलेट का जो इंजन है ये थोड़ा सा पुराने डिजाइन का बना है जिसे सर्विसिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। तो गाइज, आप अगर आपकी बाइक को अप टू डेट रखते हो तो डेफिनेटली आपके बाइक का जो इंजन है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ है, आपको बाइक चलाने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। मैं मेरी बाइक को साल में 2 बार सर्विस करता हूँ। अगर मेरी बाइक खड़ी भी है एक जगह पर, फिर भी मैं मेरी बाइक को साल में 2 बार सर्विस करके आता हूँ। आपको जो बाइक का आपका ऑयल है वो आपको 5 या 6 महीने में चेंज करना बहुत जरूरी है अगर आपकी बाइक की इंजन की लाइफ आपको बढ़ानी है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मैं आपके लिए नए नए वीडियोज लाते रहूँगा। थैंक यू।